उदियापुर से आई गणगौर, ईसर ले चाल्यो गणगौर। चंबल बहती जावे पूर, ड्यूब्यो घोड़ो ईसर ने गणगौर। ये गीत है गणगौर का, जो उदयपुर में प्रचलित है। उदयपुर में गणगौर त्योहार की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ निकलने वाली गणगौर की सवारियाँ तो बदलते दौर में निकलना बंद हो गई, लेकिन परंपरागत पूजा अर्चना अभी भी प्रचलन में है। यहाँ अभी भी लकड़ी की गणगौर प्रतिमाओं की पूजा का चलन है। ईसर गणगौर की इन प्रतिमाओं को रूप देने में मांगीलाल मिस्त्री के हुनर का जवाब नहीं है। वे देखते ही देखते कई कई फुट की प्रतिमाओं का निर्माण कर देते हैं। मांगीलाल एक काष्ठ शिल्पी हैं और चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी कस्बे से वर्षों पूर्व यहाँ आए थे। काष्ठ गणगौर की परंपरा करीब 2000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। ऐसे में उनका परिवार वर्षों से इस परंपरा को संजोए हुए है। मांगीलाल बताते हैं कि गणगौर कई आकार प्रकार की बनाई जाती है। ये प्रतिमाएं 6 इंच से लेकर 5 फीट तक की ऊंचाई की बनती हैं। इन्हें बनाने में अमूमन सवाया का ध्यान रखा जाता है, मसलन 1.5 फीट, 2.25 फीट। बस्सी का रहने वाला हूँ और यहाँ 50 साल हो गए भारतीय लोक कला में सांवर साहब और देवीलाल जी सांवर और भड़ाव साहब देख करके आए। उसके उसी टाइम से ही मेरा काम। अच्छा, क्या लकड़ी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है? जी हाँ। लकड़ी की कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? लकड़ी के खिलौने, बच्चों के खिलौने, हाथी घोड़े गणगौर ईसर चौपड़े पुतले बेवान राम रेवाड़ी और इसी तरह से जो ऑर्डर मिल जाता है वैसा काम कर। कितने साल से बस्सी में ये काम? ये काम ये बताते हैं पुराने बाप दादा का 2500 वर्ष से भी बहुत पुराना काम है। इसमें कावड़े कठपुतले गणगौर ईसर आदि काल से बनती आ रही है और गाँव में ले जाते हैं पूजा पाठ कर। ये गणगौर जो आप बना रहे हैं ना, तो ये कितने तरह की गणगौरें बनती है? ये लंबी साइज यही होती है या इससे छोटी बड़ी भी होती है? 6 इंच से लगा करके 5 फीट तक की गणगौरें बनती है। गणगौर त्योहार में कुंवारी कन्याएं और सुहागिनी 5, 7, 11 या 16 दिन तक श्रद्धा अनुसार लकड़ी की गणगौर पूजती हैं। मांगीलाल बताते हैं कि आशापाल, नीम, आम, चंदन और सालर के अलावा अब कुछ परिवार और समाज सागवान की लकड़ी से भी नई गणगौर बनवाने लगे हैं। इन प्रतिमाओं पर पूजन की परंपराओं और मान्यता के अनुसार रंग किए जाते हैं। किसी जमाने में हिरमिज, सिंदूर, खड़िया पत्थर और केसुला फूलों से बनाए जाने वाले रंगों का स्थान अब रेडीमेड रंगों ने ले लिया है। लकड़ी की गणगौर प्रतिमाओं की ये परंपरा जीवित रहे, इसके लिए मांगीलाल अपने बच्चों को भी ये हुनर सिखा रहे हैं। इस समय मांगीलाल के परिवार का हर सदस्य गणगौर की मूर्तियों के निर्माण और उन्हें रूप रंग देने में जुटा है। उनकी पत्नी सायर देवी के अलावा बेटा बहू पोते पोतिया सभी इसमें जुटे हैं। ये मांगीलाल का हुनर ही है कि उनकी बनाई ईसर गणगौर विदेशी संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है।